एक प्रोसेस है जिसे हमें गो थ्रू करना पड़ता है उसका एक पार्ट होता है रिजल्ट के अंदर जब एक व्यक्ति पास नहीं हो पाता है तो एकदम शांति से यार मेरी बात सुनेंगे आई सिंसियरली अंडरस्टैंड कि इस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है आप बच्चों को अपने प्लान को अपने खुद को अपने विचारधारा को संभाल के रखना उसको खोने ना देना जैसे एक रिजल्ट आता है ना यार किसी के भी साथ होता है मेरे भी साथ होगा कि अगर आज मेरा रिजल्ट आता है और मान लीजिए कि वो रिजल्ट किसी कारण से सही नहीं आता है तो इमीडिएटली अपना दिमाग अपन को परेशान करना चालू कर देता है कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये परेशानी हो जाएगी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस समय पर खुद को संभालें इस समय पे अगर अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे या ब्लेम कर देंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट फेलियर पास ना होना अपनी सक्सेस में थोड़ा सा डीले होना इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स का एक पार्ट होता है बहुत अच्छे से इस बात को समझिए आर पॉइंट्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस टेक अ पेन एंड पेपर इफ यू यू वांट एंड दैट फॉलो यूर थिंग्स रिलीजियसली ऑब्वियसली बात है आई डोंट डोंव टू से हैं वी विल ट्राई एंड एनश्योर कि ये जो जून के अंदर आपको मान लीजिए सफलता नहीं मिली किसी कारण से तो डिसंबर के एग्जामिनेशन में तो आपको सफलता मिलनी ही चाहिए and that is why here we have a helping hand क्या इसके अंदर सबसे पहले तो बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देखेंगे कुछ बातें बहुत अच्छे से बताऊंगा प्रॉब्लम बहुत सारे सवाल होंगे ना सवाल आप टाइप कर सकते हैं एंड पूरी कोशिश रहेगी टू हंड्रेड परसेंट कोशिश रहेगी कि हर एक बच्चे के, के क्वेरी को इश्यू को रिजोल्व किया जाएगा ठीक है यार तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ नहीं कर ही नहीं सकते आपको करना ही नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ देखो यार जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की थी उसको पता है उसने पढ़ाई नहीं की थी वो बिल्कुल चिंता में है ही नहीं तो एक व्यक्ति है जिसने पढ़ाई नहीं की थी उसको पता है उसने पढ़ाई नहीं की थी तो वो इस समय चिंता में नहीं होता है चिंता में वो व्यक्ति होता है जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती है और फिर भी किसी कारण से वो बस वो जो पासिंग मार्क्स हैं वो नहीं पहुंच पाता है। तो वो व्यक्ति चिंता में रहता है तो सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो आपको समझनी होगी दैट डू नॉट ब्लेम योर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाया तो ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो व्यक्ति डिजर्विंग नहीं है बहुत सिंपल सी एनोलॉजी आपको क्या लगता है इंस्टीट्यूट एक पासिंग परसेंटेज रखता है Example, executive में एग्जीक्यूटिव के अंदर अगर कोई व्यक्ति एक ग्रुप देता है तो 400 में से पर्सन नीड्स 200 हंड्रेड टू क्लियर सही है तो ऐसा है क्या कि जिसके 200 आ गए वो तो एकदम परफेक्ट है और वो डिजर्विंग हो गया वो डिजर्विंग हो गया और जिसके 199 नाइनटी आए वो डिजर्विंग नहीं है बिल्कुल नहीं है आपको लगता है क्या किसी भी मायने में यह एनोलॉजी सही है ऑब्वियसली नहीं है तो आप अपने मार्क्स से यह जज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आप डिजर्विंग हैं या नहीं है या फिर आपने क्या करना चाहिए नहीं बस ये एक पैटर्न है ये एक प्रोसेस है और हम सब इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। है वी हैव टू ट्राई एंड रीच योर यहां पे पहुंचना है पहुंचना है और पहुंचना है तो जो व्यक्ति अगर यहां पे भी रह गया है या 170 या 180 पे भी रह गया है उस व्यक्ति ने यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं डिजर्विंग ही नहीं हूं नहीं मैं डिजर्विंग नहीं हूं नहीं ये नहीं सोचना है डू नॉट ब्लेम योर खुद को ब्लेम नहीं करना है अगर हमने मेहनत की थी तो डोंट ब्लेम योर सेल्फ कहीं ना कहीं हमें हमारी कमियों पे काम जरूर करना पड़ेगा बिकॉज कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इंप्रूवमेंट का स्कोप हर व्यक्ति में रहेगा इवन एक व्यक्ति जो पास हो चुका है उसके अंदर भी कमियां होगी राइट right. तो उसने भी अपने कमियों पे काम करना है ताकि नेक्स्ट लेवल में या फिर एज ए प्रोफेशनल उसको प्रॉब्लम नहीं आए लेकिन हम अगर इस बार इस किनारे हैं हमें उस किनारे जाना है तो यू शुड नॉट बी ब्लेमिंग योर सेल्फ बट अपने अंदर जो भी वन परसेंट टू परसेंट फाइव परसेंट भी जो भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर काम करना है बट सबसे पहली चीज खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है एंड आई सेड इट यस्टरडे आई सेडेड टुडे टूडे

एक दो दिन का ब्रेक लेना है नेक्स्ट चीज पे मैं आने वाला हूं। टेक अ ब्रेक ब्रेक दो दिन का ब्रेक लो कोई प्रॉब्लम नहीं आता ये मत सोचो कि अरे तीन महीने बाद एग्जाम है दो दिन वेस्ट हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है दो दिन से अगर आपका दिल भर आया है किसी बात से तो आपको दो दिन उसको एक्सपीरियंस कर लो फील इट एंड लिव इट वंस कोई प्रॉब्लम नहीं उसको एक बार जी लो आप अच्छे से कोई परेशानी नहीं है अदरवाइज अगर आप आधे मन से पढ़ाई शुरू करेंगे दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद वापस आपकी पढ़ाई का मन नहीं होगा तो अगर अभी किसी कारण से रिजल्ट सही नहीं आया है तो गल पिन डाइजेस्ट रिजल्ट कि हां यार कोई बात नहीं मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं मचा के दिखाऊंगा दो दिन कुछ पढ़ाई मत करो जो अच्छा लगता है वो कर लो आपको मामा के घर जाना है मामा के घर जा आओ आपको मूवी देखनी है मूवी देखा हो आपको कहीं और जाना है कहीं और जाकर आओ किसी और सिटी जाकर आना है किसी और सिटी जाकर आ जाओ दो से तीन दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई परेशानी होने वाली नहीं है पहले आप अपनी मनोस्थिति को ठीक कर लीजिए कि पढ़ाई का एकदम फ्लो बने पहले उस माइंड में आ जाओ अगर आप उस माइंड में आ जाओगे ना तो आप मचा दोगे तो आप मचा दोगे तो टेक अ ब्रेक ऑफ टू डेज थ्री डेज जैसा आपको चाहिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया तो उसके बाद में प्रॉपरली प्लान करके पढ़ाई होगी ठीक है यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जनरली हमेशा मैं कहता हूं डू नॉट टेक एनी डिसीजन टुडे टुडे का मतलब होता है कि जब आपको एकदम आघात हुए हैं जब आपको किसी चीज में बहुत दिल पे लगी है उस समय पे डिसीजन मत लो तो टुडे का मतलब आप अभी दो से तीन दिन भी ले सकते हो तो मेरा सुझाव है कि दो से तीन दिन अभी कोई डिसीजन मत लो जैसे कि एक ग्रुप या दो ग्रुप जैसे कि आ, मुझे देना चाहिए कि नहीं मुझे अगला अटेम्प्ट देना है नहीं देना है ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सौ में से एक व्यक्ति के दिमाग में डाउट भी आ रहा होगा डू नॉट टेक एनी डिसीजन फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री डेज लेट द पेन लेट द प्रेशर पास बाय उसको रिलीज करो एक बार फ्री हो जाओ कि भाई साहब कोई बात नहीं गर्ल्प इन द रिजल्ट डाइजेस्ट कर लो एक बार उसके बाद शांत मन से एक डिसीजन लेंगे और उस पर अडिग रहेंगे एक बार डिसीजन ले लिया फिर वो बार बार चेंज नहीं करना है तो अभी जल्दबाजी में डिसीजन लिया तीन चार दिन बाद चेंज करेंगे ऐसा नहीं अभी उस बारे में सोचो ही मत ठीक है कंप्लीट ब्रेक डू नॉट थिंक अबाउट द अरे यार ये जो रिजल्ट आया इसको दिल पर लेना ही नहीं है अभी हम रिजल्ट कितना है? अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करता हूँ मॉड्यूल वन का रिजल्ट तकरीबन फाइव टू सिक्स परसेंट के बीच में आया मॉड्यूल टू का रिजल्ट तकरीबन थर्टीन परसेंट के आसपास आया है प्रोफेशनल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोफेशनल में मॉड्यूल वन का जो रिजल्ट है वो नाइन परसेंट के आसपास आया मॉड्यूल टू का तकरीबन एट परसेंट मॉड्यूल थ्री का तकरीन परसेंट इसके आसपास मोरलेस रिजल्ट रहा है मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मॉड्यूल थ्री आपको क्या लगता है यहां पे अगर फाइव परसेंट का रिजल्ट आया है तो क्या पांच ही परसेंट लोगों ने मेहनत करके गए थे ऑब्वियसली नहीं ना कम से कम भी चालीस पचास प्रतिशत लोग तो मेहनत करके गए होंगे एग्जाम हॉल में तो ऐसा नहीं है कि जिसने मेहनत नहीं की वो फेल हुआ है मेहनत करने के बाद भी हो सकता है कि किसी कारण से हम पास नहीं हो तो हमें बस छोटी छोटी चीजों पे काम करना है इसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है और जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट वापस खुद को ब्लेम नहीं करना है इंप्रूवमेंट का स्कोप ढूंढना अलग बात होती है और खुद को ब्लेम करना अलग बात होती है तो बिल्कुल मजे में रहना है एक चीज को समझना है दैट इट इज अ प्रोसेस वी हैव टू गल्प इन इट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू गो अहेड ताकि अगले अटेम्प्ट में कोई ताकत हमें नहीं रोक पाए राइट ये एक और चीज ठीक है एक चीज मेरे लिए आप कर लीजिएगा अगले एक दो दिन में दैट अप्लाई अप्लाई फॉर फॉर योर कॉपीज़ कॉपीज़ ये बच्चे बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए जब आप आगे की तैयारी करेंगे जब आप डिसंबर टाइम देना चाहेंगे तो आप जानना चाहेंगे ना कि मैंने किस तरह से एक आंसर को प्रेजेंट किया था कि उसने मुझे फुल मार्क्स दिए और किस तरह से मैंने एक आंसर को प्रेजेंट किया था कि उसने मुझे जीरो दे दिए तो अगर आपको आपकी चेक की हुई पिछले अटेम्प्ट की कॉपी रहेगी तो आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे अगला एग्जामिनेशन देने के लिए आरटीआई के माध्यम से अवेलेबल है आप यूट्यूब पर दस हजार वीडियो मिल जाएंगे तो एनश्योर दैट यू अप्लाई योर कॉपीज इस एप ये काम मेरे लिए करके रख लीजिएगा इस पर अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि वैसे भी कॉपीज आने में तकरीबन तीस दिन का समय लग जाएगा अभी बस अप्लाई करके छोड़ देना ठीक है गुंडे एंड 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 लास्ट

आप इमीडिएटली क्लियर कर सकते हैं तो मेजोरिटी चीज इट ऑल डिपेंड आप किस प्रकार की मनुस्थिति शेयर, शेयर मार्केट चल रहा है ये कोई का प्राइस है वो नॉर्मली ऐसा, ऐसा 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 चलता है वो एकदम से गिरता है और फिर वो जब अपना नॉर्मल तोड़ता है तो वो रुकता ही नहीं है आप बस ये समझिए कि अभी आप जीवन में यहां पर है यहां पर है गिरे हैं थोड़ा सा दिस इज द टाइम टू हिट हार्ड और ऐसा निकल जाना है कि कोई रोक ही नहीं पाएगा भी जीवन एंड दिस इज टू हंड्रेड परसेंट डूएबल तो बच्चे अच्छे से कुछ चीजों को फॉलो करो ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन अगर आप फुल ताकत से लग गए तो यू कैन हैंडल इट यू कैन टू हंड्रेड परसेंट हैंडल इट एक रिजल्ट सिर्फ एक स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं होता है वो उसका उसके परिवार का सबका रिजल्ट होता है तो यार आप बस ये सोचना है कि कैसे हमें मेहनत करनी है और जो भी हमारे अंदर इंप्रूवमेंट का स्कोप होगा उसको कैसे और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है एज ईजी एज दैट ओके यार इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट है आपको लगता है ना कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं ना तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल टू हंड्रेड परसेंट ट्राई हर एक व्यक्ति को मैं रिस्पॉन्ड करूं इससे फायदा क्या हो जाता है बच्चे जो आपका एक का डाउट है वो पूरे भारत में शायद हजार लोगों का डाउट होगा तो अगर आपका एक डाउट अच्छे से सॉल्व हो जाता है तो वो हजार लोगों की भी मदद हो जाती है ये पहली चीज दूसरी चीज एस आई ऑलवेज से टू ऑल दो बिकम सी एस आप सब बच्चों की भी एक बहुत अच्छी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक जिम्मेदारी बनती है जो बच्चे क्लियर हो गए हैं विथ रैंक्स विद आउटस्टैंडिंग मार्क्स एंड एवरीथिंग कि जहां आपको मौका मिले आप अपने जूनियर्स की मदद करें दिस इज हाउ वी गन्ट टू मेक अ डिफरेंस दिस इज हाउ वे टू मेक दिस प्रोफेशन ओवरऑल स्टैंड स्टिल स्टैंड हाई ठीक है तो हम एक दूसरे की मदद करनी है और इस तरह से आगे बढ़ना है कहीं भी आप परेशान हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप मैसेज कमेंट कर, कर दीजिए जो कमेंट से रहते हैं एंड आई विल ट्राई एज सुन एज पॉसिबल हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्ड करने का प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड मैं रिस्पॉन्ड भी एक वीडियो के माध्यम से करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अल्पिंग हैंड वन हेल्पिंग हैंड टू आएगा और उसमें मैं उन सब इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू ऑल ऑफ अस आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू दैट यू रिटर्न द एग्जामिनेशन हैव फेथ इन योर सेल्फ टेक सम टाइम और उड़ने के लिए तैयार हो जाओ प्लीज टेक केयर बाय बाय